मैं अपना जो टेस्ट हैं, जनरल टेस्ट हैं और चेकअप है, वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको फॉलो करते हैं। इतनी है कि खुद ही हम अपना जो घरेलू टोटके होते हैं उसी से अपना इलाज वगैरह करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं। इस तरह डॉक्टर के पास ही जाते हैं सबसे पहले। तो आप खुद रखें अपनी सेहत का ख्याल? बिल्कुल भी नहीं कराते, बिकॉज के डॉक्टरों ने भी अपना कारोबार बना लिया है, वो भी इनका बिजनेस है। अगर एक छोटे बच्चे को भी ले जाओ तो वो अपने हिसाब से करते हैं, बल्कि उसको और मजीद बीमार कर देते हैं। साल में ही होता है शायद, एक दफ़ा कोई टेस्ट वगैरह करा लिया जब जो सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है, जब ज़रूरत पड़ती है, जब बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। कोशिश करते हैं कि ना करवाएं, इसलिए कि महंगाई इतनी है तो 1,000-1,500 रुपये तो लग जाते हैं। मेरे ख्याल में अब जितनी उम्र हो गई है उसके बाद तो साल में एक दफ़ा करवा लेना चाहिए। जब तबीयत ख़राब होती है तभी करवाते हैं, जाए पता है। कोई चेकअप नहीं करवाने जा सकता, पाकिस्तान की 80% आबादी किसी किस्म का चेकअप नहीं करवाती और करवा भी नहीं सकती है। डॉक्टर जितना महंगा है ना, लोग नज़ला ज़ुकाम की दवाई लेने चले जाओ तो 1,000-1,500 रुपये खर्च हो जाते हैं, चेकअप कहाँ से करवाएगा। पहले करवाती थी, अभी नहीं, लड़का ना से करवाती थी, अभी तो नहीं करवाया है, महंगाई की वजह से कुछ सपोर्ट नहीं है। मैं कुछ चेकअप करवाती हूँ 2 महीने बाद। ऑलराइट जी, सबसे पहला सवाल तो यही है। डॉक्टर निदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। थैंक यू सो वेरी मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। आप कैसे हैं? माइक आपका कहाँ है? तो हेलो, आप जी कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। बेगम ने बहुत मेहनत की है आप पे आज। जी, वेरी नाइस। अच्छा जी, कमिंग बैक टू व्हाट वी जस्ट सॉ, विल स्टार्ट विद यू मिस्ना। टेल मी, क्या वाकई ये जो बातें कर रहे हैं ये ठीक है? महंगाई की वजह से लोग चेकअप करवा, महंगाई की वजह से नहीं करवाते, पर सेहत को लेके बहुत लापरवाही करते हैं। अगर हमें फ्लू हो जाए या कफिंग हो जाए तो ज्यादा ये कोशिश होती है कहवा पी लें हम, कोई बाम लगा लें या हम गार्गल्स कर लें, मतलब कोई फॉरेन डॉक्टर के पास नहीं जाता उस चीज के लिए। ओके, व्हाट डू यू थिंक मैम? इग्नोर किया जाता है जनरली, लेकिन आई थिंक कि अगर अपनी अगेन प्रायोरिटी को देखें कि आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और आप जो बहुत सारी बाकी चीज़ों पे खर्च करते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा आपको बजट अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि जान है तो जान है, जान है तो जान है। जी जी, मैं डॉक्टर राबिया की बात से मुत्तफिक हूँ। देखें, सीजनल फ्लू ये चीज़ें हैं तो इसमें आप भले विज़िट ना करें अगर आपको उसको मैनेज करना घर पे आता है सही से, बट अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली, जैसे डॉक्टर आबिया ने कहा, वजह क्या है? महंगाई की वजह है कि लोग नहीं जाते? अच्छा, हैं क्या वजह? क्या वजह? तो बिल्कुल, एक महंगाई और दूसरी नेग्लेक्ट, वो करते हैं अपनी हेल्थ को, नेग्लिजेंस okay. करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, महंगाई एक प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि मे बी उनके एक्सपीरियंसेस कंसल्टेंट्स को लेके अच्छे ना रहे हो, जिनकी वजह से वो कहते हैं कि नहीं, हम घर पे ही इलाज कर लें अपना, और उनको लगता है कि वो ज़्यादा पैसे मेरे खर्च हो जाते हैं, तो मे बी उनकी एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हो। डॉक्टर साहब, आई थिंक वही बात है, महंगाई, इकोनॉमिकल स्टेटस, और शायद उनको ये पता नहीं कि किस वक्त किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये भी इल्म नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अटैक भी हो सकता है, तो मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो गैस समझ के उसको निग्लेक्ट करेगा, तो अवेयरनेस की भी कमी है। हमारे यहाँ अक्सर पेट में तो गैस होती है लेकिन वैसे गैस नहीं होती, आपको पता है घुटनों में भी हो जाती है, दिमाग में भी गैस, हाँ दिमाग में तो गैस हो ही जाती है बंदे के, मतलब इंसान के दिमाग में तो अचानक से गैसेस ही भरी होती हैं, बट आई एम टेलिंग यू दिस दैट्स ट्रू। अब गैस आई नहीं रही है, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स हैपनिंग, बट गैस आई नहीं रही है। जी, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इन्फ्लेशन की वजह से ये चीज़ हुई है ना, महंगाई बढ़ रही है, ओके, लोगों की ये होती है एंटलनेस, कोई पेनफुल कंडीशन ना हो तब तक वो डॉक्टर्स को विजिट नहीं करते, तो वो चाहते हैं, जी नेग्लिजेंस है, वो चाहते हैं कि चीज़ हम बहुत खराब ना हो जाए, मेडिकेशन को अवॉइड करें, ओके, मोस्टली लोग ये सोचते हैं। सर, क्या क्या लगता है आपको? सर भाई, इसमें मैं इस बात पर तो हवा करूँगा कि महंगाई सबसे मेन चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर से या जो पढ़ के आए उनसे मशवरा नहीं करते हैं, पड़ोसियों से मशवरा करते हैं, वो जो चीज़ जो है वो उनको नुकसान का सबब बनती है, जब सर पानी जो है वो तकरीबन तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं।